नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स कैंप। टुडेज आवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम्स। फर्स्ट वी विल सी नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच स्टार्ट्स विद 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay? What if question comes? Find sum of first 100 natural numbers. Okay? So our first 100 natural numbers. So आप कैसे करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on + 99 + 100 ऐसे करते बैठोगे तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो कैसे करना है? फॉर्मूला है इसके लिए SN इक्वल टू N इंटू N प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, व्हाट इज N? N इज द लास्ट नंबर ऑफ सीरीज। सो हमें क्या करना है? फर्स्ट 100 नंबर निकालना है, तो लास्ट नंबर क्या होगा हमारा? 100। ओके, तो N क्या है हमारा अभी? 100। ओके, सो पुट इन दिस फॉर्मूला 100 एन प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 100 इंटू फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाय 2। सो अभी 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0 एज इट इज। सो 50 इंटू 101, ओके, आंसर इज 5050। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आर 5050। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, ओके, तो क्या करना है? हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे एन क्या होगा? कितना नंबर निकाला हमें? 200, फर्स्ट 200। सो एन इक्वल टू 200। ओके, सो पुट दिस इन द फॉर्मूला एन 200 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट 200 प्लस 1 201 डिवाइड बाय 2, 2 × 2, 2 × 2, 0, 0। सो 100 इंटू 201, सो आंसर इज 201। ओके, गॉट इट? इजी। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मतलब इजी इजी, इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा लास्ट नंबर दिया है 200 इंटू उसका एडजेसेंट नंबर, नेक्स्ट एडजेसेंट नंबर क्या होगा? 201 डिवाइड बाय 2। ओके, इजी है। नेक्स्ट इवन नंबर्स। ओके, इवन नंबर्स आर दैट इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर विल बी 0। सो इवन नंबर स्टार्ट्स विद 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, सो व्हाट इफ क्वेश्चन कम्स फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें? एन दिया है, एन क्या है? 100 नंबर्स। ओके, तो इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1, मतलब जो लास्ट नंबर दिया है वो मल्टीप्लाई बाय उसका एडजेसेंट नंबर, नेक्स्ट एडजेसेंट नंबर। ओके, तो लास्ट नंबर क्या दिया है हमें? 100, उसका एडजेसेंट नंबर मतलब प्लस 1 करना है। 100 प्लस 1 101, सो आंसर इज 10100। तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स आर 10000। ओके, अगर आपको अगर क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। ओके, तो 1 to 200 मतलब इसमें कितने इवन नंबर्स आएंगे? इवन नंबर्स है 1 to 200। अगर नेचुरल नंबर होता तो हम लोग क्या करते? 1 to 200 में कितने नेचुरल नंबर्स है? 200। लेकिन
इवन नंबर हमें पूछा है, इवन नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब उसमें ऑड नंबर्स होते हैं जो कि है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, तो मतलब इसमें इसका हाफ जो कितना हाफ होता है 200 का हाफ 100, सो 100 इवन नंबर हो गए और 100 ऑड नंबर हो गए। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स होते तो काउंट कितना आता है 200 ही, लेकिन इवन नंबर है तो काउंट कितना आएगा 100 इवन होंगे 100 ऑड होंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, n into n+1, मतलब 100, n क्या है हमारा अभी 100, सो 100 into 100 का एडजेसेंट नंबर क्या है 101, सो 100+1 100 into 101, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स आर 1 to 200, सो 1 to 200 में क्या नंबर आते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन एंड 198, 200। ओके, सो आंसर इज 10100। नेक्स्ट, ऑड नंबर्स, विच आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, कौन से ऑड नंबर्स है 1, 5, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, एन मतलब क्या, जो लास्ट नंबर है वो, तो लास्ट नंबर क्या है हमारा 100, हमें यहाँ भी पूछा गया है फर्स्ट 100, इसीलिए हम लोग एन ले रहे हैं 100। ओके, तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितने जीरो है 1 लिख लो, जीरो कितना है 2, उसके डबल कर दो 40 आ गए, सो ऐसे सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स आर 10,000। ओके, अगर आपको पूछा जाता है सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, अगर हमें सीरीज दी है 1 to 100, तो 1 to 100 में कितने ऑड नंबर आते हैं, इसका हाफ कर दो 2, 100 का हाफ हो गया 50, सो ऑड नंबर कितने आते हैं 50, सो इसमें ऑड नंबर आते हैं 50, तो हमारा एन क्या हो गया 50। ओके, तो ऐसे इक्वल टू एन स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ 50 का स्क्वायर क्या आता है 5 का स्क्वायर 20, 0 कितना है 1, तो उसको डबल कर दो, सो आंसर इज 2500। तो हमारा सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज 2500। ठीक है, गेट इट। नेक्स्ट, व्हाट इफ आपको क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, और उसमें क्वेश्चन दिया है 51, 53, 55, 57, up to 199। ओके, तो अभी इसको कैसे फाइंड करना है, तो अभी अगर हम लोग लास्ट नंबर क्या होगा इसका 200, अगर हम लोग सीरीज काउंट करते हैं तो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट से करते हैं 1 to 200, 1 to 200 में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, इसको हाफ कर दो 200 का हाफ कितना हो गया 100, सो इसमें ऑड नंबर्स आएंगे 100। ओके, अभी इसका पहले वाला नंबर क्या होगा 50, तो इसके पहले वाले अगर हम लोग 1 to 200 ले रहे हैं, ओके, तो इसमें आते हैं 100 ऑड नंबर्स, लेकिन हमें सीरीज क्या आई है 51 to 199, मतलब 50 से आगे जो वाले ऑड नंबर है हमें उनको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या हम फाइंड करते हैं 1 to 50, 1 to 50 में कितने ऑड नंबर्स है, 50 को हाफ कर दो 50/2 कितना हो गया 25, सो ऑड नंबर्स आर 25। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, 100 ऑड नंबर से 25 ऑड नंबर माइनस करने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग एस 100 माइनस एस 25। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, तो मतलब 100 स्क्वायर एन, यहाँ पे एन क्या है 100, तो इसीलिए 100 स्क्वायर लिया, अभी इस पे एन क्या होगा 25, तो 100 स्क्वायर माइनस
25 स्क्वायर, ओके 100 स्क्वायर क्या है, दो जीरो है तो उसको डबल कर दो, माइनस 25 स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इज 25, एडिशन नंबर ऑफ 2 इज 3, 3 टू जा 6, सो 25 स्क्वायर इज 625, सो आंसर इज, माइनस करो इसको, सो 5 कैरी 1, 100, 10 माइनस 7, 10 माइनस 3, 7 कैरी 1, 10 माइनस 7, 3 कैरी 1, 10 माइनस 1, 9, आंसर इज 9375, सो या जो हमारा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ये सीरीज हमें पूछी गई थी उसका आंसर है 9375। अगर आपको कोई भी सीरीज आती है जैसे कि अभी 101 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो खत्म हो गया 499, तो हमें फाइंड क्या करना होगा, 1 to 500 में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, इसको हाफ कर दो 250 ऑड नंबर्स आ गए। अभी यहाँ पे 101 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो इसके आगे का कितना होगा 100 नंबर, सो 1 to 100, 1 to 100 में कितने ऑड नंबर्स होंगे, इसको हाफ कर दो 50, 1 to 100 में 50 ऑड नंबर्स है, तो अभी क्या करना है हमें 250 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ओके 250 का स्क्वायर क्या होगा, जीरो है तो डबल जीरो लिख लो, 5 का स्क्वायर 25, 2 का एडिशन नंबर 3, 3 टू जा 6, माइनस 50 स्क्वायर इज जीरो, जीरो का डबल कर दो 5 स्क्वायर इज 25, सो माइनस कर दो 6 2 5 00 माइनस 2 5 00, सो 00 कैंसल, 5 5 कैंसल, 2 2 कैंसल, 6, सो आंसर इज 60,000। तो अगर आपको आता है 101 से 499 के ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए तो आंसर आएगा 60,000, ओके इजी राइट। आज हम लोगों ने कवर किया नेचुरल नंबर्स, सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब जो भी आपका लास्ट नंबर होगा सीरीज का वो इंटू इसका एडजेसेंट नंबर डिवाइड बाय 2, ओके। देन नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इवन नंबर, इवन नंबर व्हाट इज इवन नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर, सो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, मतलब जो आपका लास्ट नंबर है उसका इंटू एडजेसेंट नंबर, मतलब अगर आप फर्स्ट 100 नंबर्स दिए हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू उसके एडिशन नंबर 101, सो उनको मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ऑड नंबर्स, व्हाट आर ऑड नंबर्स, देन सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, मतलब आपका जो भी लास्ट नंबर होगा लाइक फर्स्ट 100 नंबर्स दिया है तो मतलब आपका एन हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर, तो आपके सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, 100 स्क्वायर, ओके। एंड देन हम लोगों ने देखा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर आपको सम फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप स्पैमिंग, थैंक यू सो मच।